Hi friends, how are you? Fine? Okay. Myself JP Giri from Saran ITG Mathematics welcomes you all in the world of Mathematics. Mathematics दुनिया में आप सभी का स्वागत है. जैसा कि thumbnail से ज्ञात हो गया होगा आप लोगों को, इस वीडियो में हम लोग inverse trigonometrical function ITF का derivative निकालना सीखेंगे कि अगर inverse trigonometrical function आ गया बोर्ड के एग्जाम में या कहीं भी, तो उस इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करें. तो सबसे पहले जो सिक्स इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शंस है, स्टैंडर्ड जो इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव हम नोट कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, और उसका यूज करते हुए कॉम्प्लिकेटेड इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हम शुरू करेंगे. तो सबसे पहले हम इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डेरिवेटिव नोट करेंगे. दैट इज, सबसे पहला हमारा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स. अब साइन इनवर्स एक्स का अगर डेरिवेटिव फाइंड करने को कहा जाए, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/√(1 − x²). उसके बाद हमारा हो गया कॉस इनवर्स एक्स. तो कॉस इनवर्स एक्स का भी सिमिलर होगा, साइन चेंज हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा. साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अगर 1/√(1 − x²) है, तो कॉस इनवर्स का हो जाएगा −1/√(1 − x²). उसके बाद हो गया हमारा यहाँ टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव. तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 + x². तो जैसे ही हम कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इसी में माइनस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा −1/1 + x². हो गया, चार हो गए, दो और रह रहे. उन दोनों में से एक को मैं यहाँ डाल देता हूँ, स्पेस नहीं था नीचे, इसलिए सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव. तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अगर फाइंड करना है, तो इसका होता है 1/√(x²−1). sec इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√(x²−1). तो वैसे ही यहाँ हमारा cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव, स्पेस कम था इसलिए एक ऊपर लिख दिया और एक नीचे लिख रहा हूँ, ये निगेटिव लग जाएगा, इसी में निगेटिव लग जाएगा. यानी कि हमें अगर देखा जाए तो हमें इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डेरिवेटिव के लिए सिर्फ हमें तीन को याद करना होगा. एक साइन इनवर्स का लर्न करेंगे, एक टेन इनवर्स का लर्न करेंगे, और एक सेक इनवर्स का लर्न करेंगे, और पेयर वाइज जो माइनस लगा देंगे तो अदर थ्री अपने आप हो जाएगा. तो सिर्फ थ्री फंक्शंस का डेरिवेटिव हम लर्न करेंगे. क्लियर हो गया. अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे कि इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन में किस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने को हमें बुक में, हमारे जो टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, उसमें कैसे मिलेंगे, और अदर जो रिफ्रेश बुक है उसमें कैसे मिलेंगे. तो इसके लिए हम एक्सरसाइज लेते हैं, एक्सरसाइज 5.3, क्योंकि 5.3 में इम्प्लिसिट फंक्शन स्टार्टिंग के 8.1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक जो था वो इम्प्लिसिट फंक्शन पर था, और 9 से लेकर के 15 तक जो है वो इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन, क्योंकि एनसीईआरटी का बुक है, तो एक ही एक्सरसाइज में वो मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करना की कोशिश करता, बताने की कोशिश करता है. अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं, जो कि इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, वहां डिफ्रेंशिएट करके dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है. क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड dy बाई dx इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/√(1 + x²). यह दिया हुआ है. तो इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन में हम जाएंगे और वहाँ यह देखेंगे कि इस टाइप का फंक्शन आ गया तो इसकी वैल्यू एक्चुअली होती क्या है. अगर बच्चों को याद होगा तो वहाँ से डाल सकते हैं, अदरवाइज सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और मैथ सीखने के पॉइंट से, कि आपके मैथ्स में कितने मार्क्स आते हैं, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम सम इम्पॉर्टेंट
सब्स्टिट्यूशन का वीडियो जरूर देखेंगे और उसको देख करके यह कंफर्म करेंगे कि इस टाइप के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में हम जाएंगे, जो सेकेंड चैप्टर है उस चैप्टर में, ये तो बहुत आसान है ना, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड यहाँ फंक्शन मिलेगा और उस फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहला काम रहेगा कि जो जो भी गिवेन आईटीएफ होगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन गिवेन आईटीएफ को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहला काम है कि उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा फिर वहाँ से उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसका यूज करते हुए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। गिवेन फंक्शन जो दे रखा है फंक्शन को राइट डाउन करेंगे, साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे कि इसके लिए x की जगह पर क्या पुट करेंगे, तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन बताया गया है उस प्रीवियस वीडियो में या उस चैप्टर में कि जब भी 1 प्लस x स्क्वायर की फॉर्म आ गई, 1 प्लस x स्क्वायर की फॉर्म आ गई तो उसको सॉल्व करने के लिए या तो हम x की जगह पर tan पुट करते हैं या cot पुट करते हैं। फर्स्ट प्रिफ्रेंस हम लेंगे tan लेंगे, तो यहाँ x पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा। जैसे हम x का tan थीटा डालेंगे तो यहीं से थीटा का वैल्यू हम निकाल लेंगे आगे के लिए, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इधर आकर इनवर्स हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स x हो जाएगा। इसको हम रखे रहेंगे आगे इसका यूज करेंगे। नाउ अब हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो करके इस फॉर्म में आ गया, साइन इनवर्स 2 tan थीटा हो जाएगा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। अगले स्टेप में जैसे हम जाएंगे तो इसको देख करके हमें क्लास 11th का मल्टीपल एंगल याद आ रहा कि मल्टीपल एंगल में जाएंगे तो यह साइन 2 थीटा की वैल्यू होती थी, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो था वो एक्चुअली किसका था, साइन 2 थीटा का वैल्यू था। अब यहाँ साइन इनवर्स और साइन ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ 2 थीटा। 2 तो सही है, थीटा का वैल्यू यहाँ से डाल दें तो इस तरह 2 इंटू टेन इनवर्स x हो गया। यह जो फंक्शन अभी इतना भयानक रूप लिए हुआ था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, वह एकदम सिंपल सा फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही यह अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना हमारे चुटकी का काम है। क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे हम इसको डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारा आ गया dy by dx आ गया, राइट साइड में 2 कांस्टेंट है उसको एज इट इज रहने देंगे और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव यहां से वैल्यू डाल देंगे 1 प्लस x स्क्वायर और इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर। और हमने इस फंक्शन को, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 जो था एक्सरसाइज 5.3 का, उसको सॉल्व किया बाय यूजिंग इनवर्स ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शन और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ में आ गया, क्या क्लियर हुआ कि जब भी इनवर्स ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शन का क्वेश्चन मिलेगा आपका जो सबसे पहला काम है कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। ये यहाँ से ये टोटल काम हम जो किए हैं यह डिफ्रेंशिएशन का काम नहीं है, डिफ्रेंशिएशन का जॉब नहीं है, यह इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन का काम है। वहाँ भी बताया था उस चैप्टर में भी, उस वीडियोस में भी मैं बताया था कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आएंगे क्वेश्चंस, तो भी हमें वही काम करना है कि सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा फिर वहाँ से डिफ्रेंशिएट करें दो स्टेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इसमें एनसीईआरटी के बुक में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट आप कॉन्सेप्ट अगर समझ लेते हैं, वे ऑफ सॉल्विंग द सम समझ लेते हैं, तो चाहे वो बुक कोई सा भी हो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 ये बहुत आसान है। यहाँ भी फाइंड
डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल टू टेन इनवर्स दे रखा है 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, यह फंक्शन दिया हुआ है। अब इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मेथड वही है, यहाँ गिवन लिखा हुआ है x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ हो सकता है, तो माइनस 1 बाई रूट 3 से ग्रेटर होगा और प्लस 1 बाई रूट 3 से स्मॉलर होगा, तो ये अपने जगह पर रहेगा, उसे कोई घबराने की बात नहीं है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन गिवेन है y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसको देख करके यह 3 टेन इनवर्स x का है, ये हो गया 3 टेन इनवर्स x का। कुछ प्रॉपर्टी जो है हमें याद रखना होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन से, y इक्वल टू 3 टेन इनवर्स x, तो 3 टेन इनवर्स x आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, या यहाँ भी अगर हम पुट करते तो x की जगह पर tan थीटा पुट करते, अंदर बन जाता tan 3 थीटा, बाहर tan इनवर्स, tan से tan कैंसिल, 3 थीटा आता, फिर 3 और थीटा का वैल्यू जैसे प्रीवियस में था वैसे पुट करते थे, एक वो ऑप्शन था। एक डायरेक्ट हमें अगर याद है प्रॉपर्टी पहले से मालूम है कि tan 3 tan इनवर्स x का इतना होता है, तो इसकी जगह पर हम डायरेक्ट ये राइट डाउन कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव दैट इज 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने दो क्वेश्चंस किए जो काफ़ी सिंपलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, इनवर्स ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए। अब इसको भी मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि अब तक आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया होगा तो बैक जा करके पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहां भी वही है, फाइंड dy by dx इफ y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबके साथ बगल में इनके डोमेन दिए गए हैं कि x का वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक हो सकता है, तो 0 से 1 तक हो सकता है, यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो सकता है। समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करने को कहा जाए तो सबसे पहले हम गिवेन फंक्शन लिखेंगे, गिवेन y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे ही अभी इसके 9 नंबर क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो वहाँ हम tan थीटा पुट किए थे, वैसे भी यह tan 2 tan इनवर्स x का होता है, अगर पहले से नोन है तो डायरेक्ट डालेंगे, नहीं तो हम पुट कर देंगे। पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। नाउ अब हमारा फंक्शन हो गया y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हो गया cos इनवर्स, यह cos 2 थीटा का फॉर्मूला है क्लास 11th के मल्टीपल एंगल में, जैसे जाएंगे मल्टीपल एंगल में तो क्लास 11th के मल्टीपल एंगल में ट्राइगोनोमेट्रिक चैप्टर में जाएंगे तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता था, तो इसकी जगह पे cos 2 थीटा डाल दिया, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 2 थीटा बचेगा और मालूम है कि थीटा का क्या डालना है, तो 2 tan इनवर्स x आ गया। और इस तरह से जैसे हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का इधर हो जाएगा लेफ्ट में dy बाई dx और राइट में हो जाएगा 2 और tan इनवर्स का तो मालूम है, तो इस तरह से बहुत आसानी से आप लोग इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन के
का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं देखता हूं, जस्ट इसके नीचे है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। वो थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए उस क्वेश्चन को मैं चूज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 एकदम सिमिलर है, बस यहां कॉस की जगह साइन आ गया, तो हम कैसे करेंगे? अब थोड़ा सा समस्या आएगी। फाइंड डीवाई बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लाइज बिटवीन 0 टू 1। यह क्वेश्चन दिया हुआ, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और गिवन फंक्शन को राइट डाउन करेंगे। गिवन फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो उसको सॉल्व करने के लिए x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे। पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा, जैसे ही tan थीटा पुट करेंगे दिस गिव्स अस थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। नाउ आवर फंक्शन बिकम्स, हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन कन्वर्ट हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की फॉर्म में, दैट इज साइन इनवर्स। अब यहां तो आ गया ये cos 2 थीटा, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी यही था, मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले cos थीटा का इतना होता है 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, ये हो गया हमारा cos 2 थीटा। अब यह इसको कैंसिल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा कैंसिल। कैंसिल करने के लिए दोनों सेम होना चाहिए, साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन होना चाहिए, कॉस इनवर्स है तो अंदर भी कॉस होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अंदर अगर कॉस है तो बाहर कॉस इनवर्स रहता तो भी कैंसिल हो जाता। तो अब क्या करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए इसको चेंज कर देंगे, जो कॉस है कॉस को हम साइन में चेंज कर देंगे। क्लास टेंथ में भी हम किए थे, कॉस की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, 90 की जगह पर पाई बाई 2 लिखा जाता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, कॉस की जगह पर हम लिख दिए साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हो गया, यानी कि पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा का वैल्यू यहाँ से जो निकाले हैं टेन इनवर्स एक्स ये डाल दिया, कन्फर्म हो गया। ये तो हम y को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किए, जैसे ही y हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया यहाँ से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमारा लेफ्ट पार्ट जो y था वहाँ हो जाएगा dy बाई dx, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, तो राइट साइड में जो पाई बाई 2 था वो पाई बाई 2 की जगह पे क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, पाई बाई 2 इज कांस्टेंट एंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, सो पाई बाई 2 डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 इज रिटेन एज 0 माइनस 2 इज रिटेन एज इट इज एंड द टेन इनवर्स x, द डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर व्हिच गिव्स अस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 1 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने डिफरेंट इनवर्स ट्रायंगुलर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना सीखा, और डिफ्रेंशिएट कैसे करते थे, तो सबसे पहले उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते, जैसे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आता था फिर उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह देखने में आ रहा है या मैं महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वीडियो तो बहुत लोग देख रहे हैं बट अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप लाइकिंग दिस वीडियो, सो दैट आई motivated to produce beautiful videos for you.